राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सुर इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। कहीं ये किसी बड़े राजनीतिक उथल पुथल का इशारा तो नहीं। खैर, फिलहाल खबर ये है कि अशोक गहलोत ने मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की है, जिससे हर कोई हैरान है। सीएम गहलोत ने गडकरी से कहा कि जब से आपने मंत्रालय संभाला है, आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो समस्याएं और मांगे रखी, वही जोधपुर संभाग की मांगे हैं। जोधपुर में एलिवेटेड रोड को लेकर आप जितने विस्तार में गए हैं, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूं। गहलोत ने कहा कि आपने हमारे 25 सांसदों द्वारा उठाई गई मांगों का ब्यौरा भी रखा। आप भेदभाव नहीं करते, भेदभाव होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। सरकारें आती जाती रहती हैं, कलम विकास के लिए जितनी चल जाए वो अच्छा है। आप जो कह रहे हैं उसी भावना से आप काम भी कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने गडकरी की ये तारीफ गुरुवार को 18 हाईवे प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास समारोह में की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान अब पहले वाला नहीं रहा है। हम पहले खराब सड़कों के लिए बदनाम थे, रेत से पटी कच्ची सड़कें होती थी। गुजरात से चलकर जब उबड़ खाबड़ सड़क आ जाती थी तो समझो राजस्थान आ गया, लेकिन अब सड़कें अच्छी बन गई हैं। इस मौके पर सीएम गहलोत ने नितिन गडकरी से मांग करते हुए कहा कि जयपुर दौसा लिंक को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाए, जोधपुर से 5/15 6 लेन हाईवे बनाए ताकि रिफाइनरी प्रोजेक्ट उससे जुड़ सके। सीएम गहलोत ने कहा कि जयपुर दिल्ली रोड का पता नहीं किस मुहूर्त में शिलान्यास होगा। इस हाईवे का काम अभी तक भी अटका पड़ा है। जयपुर दिल्ली हाईवे के काम को जल्द पूरा करवाएं। गहलोत ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के समानांतर लॉजिक्स पार्क विकसित करने की पहल स्वागत योग्य बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।